देश में तीसरी बार मोदी की सरकार बनी, उसके बाद तमाम जो सांसद थे कल संसद में शपथ ग्रहण कर रहे थे। भाई अगर बात की जाए तो बरेली के सांसद सत्यपाल गंगवार ने शपथ के बाद जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए, तो उसका विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। इसी को लेकर मेरी मौजूदगी बरेली में, देख सकते हो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं उन्हीं से जान लेते हैं। ये बताइए, कल आपने देखा हो संसद में शपथ ग्रहण के बाद छत्रपाल जो है उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए थे, इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये आप दूसरे संदर्भ में ले गए इसको। जैसे एक हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक हिंदुस्तान, हिंदू शब्द बहुत बड़ा वाइड है, हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदुओं का स्थान। तो अगर जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मुस्लिम लोग अपने नारे लगाते हैं, तो ऐसे उन्होंने हिंदू होने के नाते अगर जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज से 5,000-10,000 साल पहले यहाँ ऋषि मुनियों का ही स्थान है ये, और इसमें मेरे ख्याल से बाकी धर्म के लोगों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपने देखा विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ था, कार्रवाई रोक दी। विपक्ष तो हर चीज में हंगामा करता है। विपक्ष तो इन्होंने कहा हमारी सरकार अब की बार 400 पार, तो उन्होंने ये हंगामा ये कर दिया कि हम संविधान को ही बदलने जा रहे हैं, झूठ फैला दिया। विपक्ष तो हर बात में झूठ फैलाने का कार्य कर रहा है, तो विपक्ष की बात मत करिए। और विपक्ष को आप मीडिया वालों ने ही सिर पे चढ़ा रखा है, अगर आप मीडिया वाले उनसे नहीं पूछोगे तो विपक्ष को कोई नहीं पूछ रहा है। तो क्या माना है हिंदू राष्ट्र की इस तरह से, एक तरह से पहली स्थापना इस बयान से लेकर क्या लग रहा है आपके लिए? नहीं, ऐसा कोई लग नहीं रहा है, कोई आप इसको सोचे हैं कि उन्होंने किसी संदर्भ में कहा होगा, ऐसे कह देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। और अगर हिंदू राष्ट्र बन भी रहा है तो इसमें हम लोग छत्रपाल जी का समर्थन कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका क्या नाम है? मनमोहन सबरवाल, व्यापार मंडल से हैं। अच्छा, ये बताइए छत्रपाल जी के बयान को लेके, उन्होंने जिस तरह से कहा था भाषा, उसको लेके क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया? बहुत बढ़िया सोच है छत्रपाल जी की। हम छत्रपाल जी को बहुत ही धन्यवाद देते हैं, साधुवाद करते हैं उनका कि उन्होंने कम से कम एक नारा तो लगाया। और मैं मोदी से आग्रह करूंगा कि आने वाले 5 साल में, उन्होंने पीछे 370 हटाई, तलाक हटाई, इसी प्रकार अब जो 5 साल में मिला है इसमें एक हिंदू राष्ट्र का लेकर नारा चलें और इस 5 साल में हिंदू राष्ट्र घोषित रहे हिंदुस्तान को। सारी जनता मोदी की जय जयकार करेगी, क्यों मोदी ठान लेते हैं वो करते हैं। मोदी जी के अंदर एक खासियत है कि जो मोदी ठान लेते करते हैं, और मैं ठान लेके मुझे हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है हिंदुस्तान को, वो करा के रहेंगे। और छत्रपाल गंगवार बधाई के पात्र हैं, उन्होंने कम से कम शुरुआत तो करी। 524 सांसदों में पहला सांसद है जिसने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया है, और ओबीसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, बहुत गलत लगाया, इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। तो संसद हटा दिया गया नहीं, वक्त तो हटा दिया गया, लेकिन हिम्मत तो है, इसलिए उनको संसद हटा दिया जाए, संसद हटा दिया जाए, उनकी साजिश ले ली जाए, वापस ले ली जाए, उन्हें दोबारा भेजा जाए और जाके फिलिस्तीन से लड़ो, जाके वहाँ लड़ो इलेक्शन, जाके फिलिस्तीन से। क्या मतलब हिंदू में हिंदुस्तान में रहेगा, अपने देश की जय जयकार करेंगे, क्या मतलब होता है भाई? देखा होगा आपने छत्रपाल के, उसके बाद लगातार संसद में हंगामा हुआ, विपक्ष ने लगातार हंगामा शुरू कर दिया था। देखिए सर, विपक्ष को तो शोर मचाना है, उसे कुछ नहीं मिला तो इमरजेंसी, जब हमारे देखिए ने इमरजेंसी के बाद दोनों उस पर शोर मचा दिया, उन्हें कमांड चाहिए शोर मचाने का, लेकिन उससे डरे नहीं, कोई जरूरत नहीं घबराने की। और आगे जितने भी सांसद हैं लोकसभा में, सब समर्थन करें छत्रपाल गंगवार का, जो हमारे 240 बीजेपी के और बाकी सांसद एनडीए के हैं 294, सबके सब समर्थन उसका समर्थन करें छत्रपाल गंगवार का। उन्होंने बहुत बढ़िया एक नारा लगाया और एक शुरुआत अच्छी मुहिम शुरू की है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम श्रीवास्तव है। अच्छा श्रीवास्तव, बताइए क्या लग रहा है इस बयान को लेकर, किस माने से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बयान को लेकर ये लग रहा है कि उन्होंने जो भी बयान दिया है कल, जय हिंदू राष्ट्र का, जय भारत का, बहुत ही अच्छा बयान दिया है, और मैं उनके समर्थन में हूँ। हमारी बरेली की जनता उनके समर्थन में है, भारत की जनता उनके पूरे समर्थन में है, और बहुत ही अच्छा नारा दिया है, बहुत ही बढ़िया दिया है। और ओबीसी ने जो जय फिलिस्तीनी का नारा दिया वो बहुत ही शर्मनाक है। ओबीसी उसके तो हटा दिया गया, उसके प्रताप के लिए वहाँ से जो हटाया बहुत अच्छा किया, हटा दिया गया, लेकिन जो जिस प्रकार से हमारे माननीय सांसद छत्रपाल गंगवार जी ने जो नारा दिया है, बहुत अच्छा नारा दिया और बहुत ही अच्छे शब्द समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल समर्थन। अच्छा, विपक्ष देख रहा है कितना हंगामा हुआ, आपने देखा तो काम ही हंगामा करने का, वो तो हर चीज में हंगामा करता ही है, वो तो मोदी विरोधी है ही, हंगामा करते ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नरेंद्र आहूजा नाम है। आहूजा जी, क्या माना जाए इस बयान को लेकर, क्या समर्थन करते हैं आपकी, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ये बयान तो 100% बिल्कुल सही है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पूरे भारतवासियों को इसका समर्थन करना चाहिए। और ये बयान जो अभी एक चेन चली है, ये चेन रुकनी नहीं चाहिए, और पूरे भारतवासियों को पुरजोर इसका समर्थन। शुरुआत मानते हैं हिंदू राष्ट्र की? देखिए शुरुआत तो बहुत टाइम पहले से शुरू हो चुकी है, बस ये है कि जो हिंदू
हिंदुत्व जो हमारे हिंदुस्तान में रहता है वो इतना अग्रेसिव नहीं काम करता है, क्योंकि वो सब अहिंसावादी है। आप जितना भी हिंदुस्तान में हिंदुओं को देखेंगे वो हमेशा अहिंसावादी है। किसी भी काम की शुरुआत हुई है तो वो एकदम से नहीं हुई है, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है, प्रयास चला आ रहा है। लेकिन हाँ, जो हमारे छत्रपाल गंगवार जी ने ये जो बयान को एक बड़ी मजबूती दी है, मेरे हिसाब से ये आगे चल के एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करेगी। एक चाचा भी हमारे साथ में, चाचा ये बताइए, स्टूल पर बैठे हुए हैं आप, क्या लग रहा है? आपने कल का एक देखा हो संसद में, यहाँ के सांसद संतोष गंगवार को, सॉरी क्या छत्रपाल गंगवार, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात कही, क्या मानते हैं इसके लिए? क्या ऐसा है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयास जो है बहुत समय से चला आ रहा है और उसको थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन इसको संसद में पास तो करना ही पड़ेगा और पास होगा ही। लेकिन इन्होंने, गंगवार जी ने जो कुछ भी बयान दिया है, ये बयान बहुत ही लोकप्रिय है और इनके बयान को बहुत ही उसको उसमें लिया जाए, जो हल्के में ना लिया जाए, वो इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए, आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। और हिंदू राष्ट्र घोषित तो एक दिन होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपने देखो विपक्ष का बड़ा एतराज किया था। अरे विपक्ष तो हर मुद्दे में उंगली लगाता है, विपक्ष को तो कोई ना कोई नुक्ता चाहिए, वो नुक्ता उसको मिल जाता है तो उंगली बड़ा बाजी करता रहता है। लेकिन विपक्ष की कोई परवाह ना करते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए और सब हिंदुत्व को आगे बढ़कर इसका गंगवार जी का साथ देकर इसको काम को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, जो ओवैसी जी का भी नारा चला था जय फिलिस्तीन, उसे तो हटा दिया गया। मैं सिर्फ एक बात आपको ये कहना चाहूंगा, अभी आपने जस्ट पीछे एक मैटर देखा होगा जो इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। इसराइल में रहने वाली एक महिला ने हमास का समर्थन किया और हमास का समर्थन करने के बाद तत्कालीन इसराइल की सरकार ने उसका पासपोर्ट बनाकर हमास भेजने की तैयारी करी, जिसके बाद वो रो पड़ी, वो बोलने लगी कि नहीं, मैं इसराइल छोड़कर नहीं जाऊंगी। यही हालात हमारे हिंदुस्तान के हैं, जो जिंदाबाद पाकिस्तान और फिलिस्तीन का करते हैं, अगर उनको अभी हम जाने को कहें तो वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आज़ादी है शायद उनको वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आपका क्या नाम है? हीरा लाल। ये बताइए, कल जिस तरह से संसद में आपने सुना हो छत्रपाल जी सांसद, उनका वो उस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? हमारी जानकारी नहीं है। अच्छा, आपकी जानकारी भी नहीं है। तो देखा, तमाम जो लोग थे हमारे साथ मौजूद थे, इनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने जिस तरह से सांसद संतोष कुमार इस तरह की शुरुआत की, उनके बयान का वो लगातार समर्थन करते हैं। मेरी मौजूदगी एक बाजार में थी, इनके तमाम लोगों से हमने चर्चा की, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि छत्रपाल का हम लोग समर्थन करते हैं और उन्होंने हिम्मत करके तमाम सांसदों के बाद अपनी ये बात रखी। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।